हेलो गाइस, वेलकम टू थकते 360। तो बात करते हैं सत्य प्रेम की कथा की, स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी एंड डायरेक्टेड बाय समीर विध्वंस। मूवी थर्सडे यानी बकरीद के दिन रिलीज हुई। मूवी देख के पहला थॉट तो मेरे दिमाग में यही आया कि चलो आदि पुरुष के बाद कुछ तो सही देखने को मिला एंड बॉलीवुड बाउंस बैक अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शायद मैं इस दुनिया में कुछ करने ही नहीं आया सिवाय तुमसे प्यार। 2022 में बॉलीवुड की हालत एकदम ही खराब थी। फिर कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी की भूलभुलैया 2 आई एंड बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर दिया। एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। ठीक उसी तरह सत्यप्रेम की कथा की भी प्लॉट एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब आप ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग देख के कहानी के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं लगा सकते। दिस इज वेयर द मेकर्स हिट इट आउट ऑफ द पार्क। ओवर प्रमोशन भी नहीं किया मूवी को लेकर, ना ही कुछ ज्यादा रिवील किया मूवी की स्टोरी। जितना कुछ दिखाया है ट्रेलर में वो तो इंटरवल से पहले पहले खत्म हो जाता है, तो बाकी मूवी में दिखाने के लिए बहुत कुछ था। अगर ऐसे खाई पीने मजा आया तो मैं वेट करने के लिए रेडी। क्यों? सीरियस होने दिला। पक्का? 100%। मूवी एक सीरियस इशू को हाईलाइट करती है जिसको लोग बहुत ही कैजुअली डील करते हैं, जैसे कि कोई बात ही नहीं है। आज के जेन जी कैजुअल डेटिंग के टाइम एक्चुअल प्यार क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक रिलेशनशिप से, कैसे सेक्रीफाइसेस होती है, वो चीज मूवी बहुत अच्छे से फोकस करती है जिससे आप काफी हद तक रिलेट कर पाते हो। मूवी टाइम टाइम पे आपको हंसाती भी है एंड इमोशनल भी फील कराती है। स्पेशली कार्तिक आर्यन एंड गजराज राव जी के बीच जो कॉमेडी सीन्स है वो सच में फनी है। एक शॉट में कंसीव किया दिवाली और मैंने तुझे यार। तो मैं अपने बच्चों को कब कंसीव करूं पापा? मूवी की स्टार्टिंग नॉर्मल रोमकॉम की तरह ही होती है, फिर कहानी में आती है ट्विस्ट एंड सत्य प्रेम की कथा एक अलग एक्सपीरियंस देती है। मूवी के सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है। मिडिल क्लास एंड अपर क्लास फैमिली वाली वाइब रियल लगती है एक्टर्स के परफॉर्मेंस से। कार्तिक आर्यन का ये मेन जॉनर है एंड उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। बट मेन हाईलाइट ऑफ द मूवी इज कियारा आडवाणी। शी वाज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट। मूवी एक टाइम पे आपको थोड़ा खिंचा हुआ फील हो सकता है बिकॉज ऑफ टू मेनी सॉन्ग्स इन द मूवी, बट सॉन्ग्स अच्छे हैं इसीलिए टाइम पास हो जाता है। बट वो पसूरी वाली सॉन्ग नहीं भी होती तो चल जाता, इतना कुछ जम नहीं रहा है वो सॉन्ग मूवी में। ओवरऑल सत्य प्रेम की कथा इज ए मस्ट वॉच अगर आपको रोम कॉम फैमिली वाली मूवीज पसंद है तो। इतना ही एक्शन मास मसाला मूवीज देखोगे, कभी कभी ऐसे मूवीज भी जरूरी है। तू झूठी मैं मक्कार के बाद मुझे ये मूवी सच में बढ़िया लगी। मैंने जरा हटके जरा बचके मूवी तो नहीं देखी लेकिन वो भी सेम जॉनर की ही थी एंड बॉक्स ऑफिस पे विनर साबित हुई। एंड सत्य प्रेम की कथा की भी चांसेस बहुत हाई है। ओवरऑल मूवी का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही पॉजिटिव है एंड मेनली ऑडियंस को पसंद आ रही है। तो कौन कहता है बॉलीवुड रोम कॉम इज डेड। नेक्स्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जो 20 जुलाई को रिलीज हो रही है तब तक कोई भी बिग रिलीज नहीं है, इसीलिए सत्य प्रेम की कथा के लिए काफी ओपन स्पेस है। रेटिंग की बात करूं तो मैं सत्य प्रेम की कथा को दूंगा 4/5 स्टार। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस